हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हिस्ट्री 90। मैं सत्यम दुबे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जल्द से जल्द क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। एक बार सेशन को अच्छे तरीके से शेयर कर देंगे दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जो भी प्रश्न होंगे आप सबके बीच में, देखिएगा प्रोनाउन के जितने भी प्रश्न मैं सॉल्व करा लिया था, यानी प्रोनाउन को आप अच्छे तरीके से टिक कर सकते हो। दोस्तों आज एकदम बेहतरीन तरीके से जल्दी जल्दी आपका संडे रिविजन कराते हैं। एक बार देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट आप सबके क्लियर हैं नहीं दोस्तों, और जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकेंगे दोस्तों उनको आप नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे बेटा, अच्छे तरीके से कॉपी कलम निकाल लीजिए दोस्तों। तो ध्यान से फिर से समझिए, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट टारगेट हमको करना है दोस्तों सीएचएसएल। अच्छे तरीके से आज डायरी में नोट कर लो कि प्रोनाउन खत्म बेटा, जितने मैंने टॉपिक बताया, टाइम एंड टेंसर क्लियर हो गया, हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो क्लियर हो गई, कंडीशनल हमारी क्लियर हो गई, सर वाइस इस समय अपीयरिंग चल रहा है दोस्तों। ध्यान से समझिएगा, प्रोनाउन हमारी ये लास्ट सीरीज होगी दोस्तों। अच्छे तरीके से जितने भी पार्ट थे सब मैंने करवा दिया दोस्तों, आज टिक कर लो कि ये भी पार्ट मेरा अच्छे तरीके से खत्म है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आज आप सबके बीच में क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट का अगला सीजन स्टार्ट करते हैं। अगला इस सीरीज में देखिएगा, जो भी प्रश्न होंगे सब एकदम बेहतरीन तरीके से जो कॉन्सेप्ट दूंगा वैसे ही एग्जाम में आपका होने वाला है दोस्तों। चेहरा जरूर याद करोगे बेटा, ठीक है ना। तो एक बार सेशन को अच्छे तरीके से सब शेयर कर लेंगे, सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और देखिए आप सबके बीच में अच्छे तरीके से महाबचत ऑफर, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन से इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। बचत ऑफर सुपर टेट की जो बैच है दोस्तों 1699 में है, साथ ही साथ यूपी टेट की बैच आप देखिए 900 रुपए में, यूसीजी नेट की बैच 900 रुपए में, एसएससी जीडी 699 दोस्तों। अगर जो इंटरेस्टेड होंगे इसको जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए दोस्तों, बेहतरीन वीडियो सॉल्यूशन के साथ और बेहतरीन कंटेंट इसमें दिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे। तो चलिए आज के सीजन का ये पहला प्रश्न आप सबके बीच में स्टार्ट करता हूं दोस्तों। जल्द से जल्द देखिए, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं यहां पे, ठीक है दोस्तों। तो जल्द से जल्द आप सबके बीच में पहला प्रश्न आ चुका है, और बेहतरीन तरीके से इसको क्या करेंगे आप लोग जवाब देंगे। क्या बोला कि यू से इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट्स माई ऑल्सो, बोला यू से वह कहता है ये आपकी प्रॉब्लम है, एंड आई से, और क्या बोलता है, मैं कहता हूं इट्स माई प्रॉब्लम, ये मेरी प्रॉब्लम। अगर ये तुमने माई लगाया तो इसके बाद आपको नाउन लगाना चाहिए था, इसके बाद नाउन लगाना चाहिए था सर। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं सर, गलत नहीं कर सकते हैं। क्यों बेटा? क्लियर करो, थम इंप्रेस करो, बताओ। अगर सर पजेसिव एडजेक्टिव लगा है तो इनके बाद हमको क्या लाना था? नाउन का आना सर कंपल्सरी होता है, ठीक है ना। अगर हम बात कर लेते हैं बेटा पजेसिव प्रोनाउन की, तो आप बताइए इसके बाद बेटा आपको नाउन नहीं लाना होता है। सारे कॉन्सेप्ट तो सर क्लियर है, कैसे गलत कर सकते हैं बेटा। तो चलिए ध्यान से देखेंगे, माई हमारा क्या होता है? माई हमारा है बेटा पजेसिव प्रोनाउन, यानी इसके बाद आल्सो लगा है जो कि नाउन नहीं है, मतलब ये माई के बाद यहां प्रोनाउन जो कि हमको लगाना क्या था सर? नाउन लगाना था, जो कि नाउन बेटा है नहीं। तो सही कैसे कर देंगे सर? ये तो पता चल गया किस पार्ट में एरर है, सर सी में है। लेकिन करना क्या था, इस माई को अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं बेटा माइन में, तब ओवरऑल जाके बन जाएगा पजेसिव प्रोनाउन, और इसके बाद नाउन बेटा नहीं लेता। तो बताइए क्लियर है कि नहीं? थंब इंप्रेस कर देंगे, सारे कॉन्सेप्ट लिख लेंगे बेटा। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना कंपलसरी होता है, जबकि पजेसिव प्रोनाउन बेटा नाउन नहीं लेता। नोट रख लीजिए अच्छे तरीके से बेटा, थंब इंप्रेस करें, क्लियर है कि नहीं फर्स्ट आंसर। चलिए आपको ले चलते हैं, जल्दी जल्दी करना है सारे प्रश्नों को, अगले प्रश्न में ले चलते बेटा, अगला बेहतरीन प्रश्न और बेहतरीन कॉन्सेप्ट से किताबों में रटना पड़ेगा बेटा। यहां मैं एक कॉन्सेप्ट दूंगा, कभी दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक सर? ये तो मुझे पता हो गया, यू एंड आई हैव पास्ट। भाई देखो, S1 S2 एक से अधिक सब्जेक्ट दिख के, यू आपको S1 दिख गया, आई आपको क्या दिख गया? S2 दिख गया। इसका मतलब आगे जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल होगी। तो देखते हैं इसके बाद क्या होता है बेटा, प्लूरल वर्ब। पहला कॉन्सेप्ट सब एक अच्छे तरीके से छापते जाओ, ठीक है ना। पहला मेरे बीच में क्लियर हो गया सर। स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? अगर तीन साथ में आते हैं, S1 आते हैं, S2 आते हैं, S3 आते हैं, तो स्ट्रक्चर हमारा बनता है 231 का। और अगर दो साथ में आ जाते हैं बेटा, S1 और S2 साथ में आ जाता है, तो दो और तीन को मिला के बनता है 23 बनता है बेटा। तीन और एक को मिला के बनता है 31 बनता है, और दो एक को मिला के बनता है 21, मतलब ये फॉर्म होता है, ठीक है ना, S1 S2 S3 में। तो देखते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है बेटा, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी दो और एक से स्ट्रक्चर 21 बना है। तो चेक करेंगे बेटा 21 इसमें है, हाँ बिल्कुल 21 मैच किया, मतलब यहां तक की सारी फॉर्म सही है। आगे देखते हैं बेटा, तो यहां माई लगाया है। अब चेक करेंगे बेटा ये S1 S2 S3, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा ना जाके पीछे देखना, सबको डिटेल एकदम
गेम की तरीके समझाया हूं, ठीक है ना, एकदम खेलना सीख जाओगे। अब बोला सर ये वर्ब जो लगाते हैं पजेसिव एडजेक्टिव किसके प्रकार, मतलब आपकी जो पजेसिव हो जाती है पजेसिव एडजेक्टिव किस प्रकार से प्रोनाउन हम नोट करेंगे, सर यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि आई, यहां तो आई के अकॉर्डिंग माई लगा दिया, लेकिन बेटा आपके बी पार्ट में एरर है, कैसे लगाते हैं वो तरीका हमको सीखना है। देखो बेटा सबसे पहले आपका आता क्या है, सबसे पहले सर हमारा आता है फर्स्ट पर्सन, यहां नोट करेंगे सबसे पहले आता है फर्स्ट पर्सन बेटा, और उसके बाद क्या आता है बेटा आपका सेकंड आता है, तरीका सीख लो बेटा, और उसके बाद जो आता है आपका क्या आता है थर्ड पर्सन आता है। यहां तक की बातें तो क्लियर हो गई बेटा। और अगर सेंटेंस में इनके हिसाब से पजेसिव लगाना है बेटा तो आपको करना क्या होता है, पहले चेक करेंगे इस सेंटेंस में, सबसे पहले चेक करेंगे बेटा फर्स्ट पर्सन आया कि सेकंड पर्सन की थर्ड पर्सन, लिखते हैं 1 2 3, यानी सबसे पहले चेक करेंगे फर्स्ट पर्सन, अगर फर्स्ट पर्सन आया बेटा तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगाएंगे सबसे पहले, और सेकंड पर्सन आया तो किसके अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन। अगर कभी भी लिखा है जैसे यहां देख लो लिखे हैं यू ही एंड आई, अगर बात करेंगे इन तीनों में बताइए किसके अकॉर्डिंग हम पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे, तो आपको क्या करना होगा, यानी कि आई लास्ट में तो इसके अकॉर्डिंग, तरीका क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे यहां पे आई लगा है, ठीक है ना, आपको देखना यू हमारा कौन सा पर्सन होता है, सर सेकंड पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन, और ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन। हमेशा बेटा देखना होगा कि अगर 1 2 3 करना स्टार्ट करते हैं, मतलब सबसे पहले अगर 1 है ये फर्स्ट पर्सन है तो उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, अगर सेकंड और थर्ड है तो बेटा तो सेकंड के अकॉर्डिंग, अगर मान लो यू एंड ही होता क्या होता बेटा, यू एंड ही होता तो बताइए ही आपका थर्ड पर्सन है। अब अगर आपको प्रोनाउन लगाना होता बेटा तो आप क्या करते, यू एंड ही है तो 2 और 3 है मतलब 23, तो पहले 2 आता है कि पहले 3 आता है, पहले सर 2 आता है, मतलब इसके यू के अकॉर्डिंग हमको लगाना होगा, मतलब इसमें क्या लग जाएगा, यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो आपका यू और लग जाएगा। आपको समझना क्या है बेटा, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन में आपका आता है बेटा आई आता है और वी आता है, ध्यान रखना है बेटा फर्स्ट पर्सन का जो पार्ट प्लूरल वाला होगा क्या होगा, प्लूरल वाला होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, इसी का पजेसिव एडजेक्टिव बनाओगे और उसी को आपको नोट करना होगा। तो बेटा वी का बनेगा वी अस आवर, क्या बनेगा बेटा, अब अस आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है और आवर आपका पजेसिव एडजेक्टिव होगा, आवर्स आपका होता है पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना बेटा। तो बेस्ट इन द स्टेज अगर हम बात करेंगे तो लगना क्या चाहिए था बेटा, आवर लगना चाहिए था, जबकि यहां पर क्या लगा है माई लगा है बेटा, आपको करना क्या चाहिए था आवर लगना चाहिए था, लगा तो आई के अकॉर्डिंग है लेकिन यहां माई क्या हो गया सर, माई हमारा लग गया आई के अकॉर्डिंग, आपको लगाना है फर्स्ट पर्सन के प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग, तो वी अस आवर, रटना नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, ठीक है ना, पिछले में मैंने कॉन्सेप्ट बेस में मैंने बताया भी है बेटा, ठीक है। अगर देखिए ये सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, इसमें तो आपको पता चल गया सर बी पार्ट मिरर है किस प्रकार, अगर आपको कहीं भी दिख जाता है, देखिए यहां कॉन्सेप्ट समझिए, अगर आपको कहीं दिखता है जैसे मैंने बोला कि दे एंड आई, अब आगे अगर हमको लगाना है तो आप बताएंगे दे हमारा थर्ड पर्सन होता है सर, आई हमारा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में आई आता है और वी आता है, लगाएंगे किसके अकॉर्डिंग, वी के अकॉर्डिंग, तो आवर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और अगर कहीं दे दिया देखिए ही एंड यू दे दिया, क्या दे दिया बेटा, ही एंड यू दे दिया, तो ही आपका थर्ड पर्सन है बेटा, यू आपका क्या होता है सेकेंड पर्सन, मतलब 32, तो पहले 2 आता है कि 3 आता है, 2 के अकॉर्डिंग, अभी नहीं कि इसके बाद ऐसे, मान लो इसको उल्टा भी कहीं लिख के दे दिया है बेटा, जैसे दिया है आपको यू एंड ही दिया है, क्या दिया है यू एंड ही, अब बोला किसके अकॉर्डिंग लगाओगे बेटा, तो ये नहीं ही है तो इसी के अकॉर्डिंग आप लगा दिए, लगाना कैसे होता है बेटा, यू आपका सेकंड पर्सन होता है, ही आपका थर्ड पर्सन, तो पहले 2 आता है पहले 3 आता है, तो पहले 2 आता है, जो पहले आएगा उसी के अकॉर्डिंग, तो बेटा इसका सिंगुलर भी आपका यू होता है, प्लूरल वाला भी आपका क्या होता है यू होता है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे हम, योर लगा देंगे, ध्यान से ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। और अगर मान लीजिए यहीं पर 3 मिल गया, जैसे बोला ही आई एंड दे, अब बोला आप इसके अकॉर्डिंग कैसे लगाएंगे बेटा, तो आपको यह समझना होगा कि पहले बताइए ही आपका क्या होता है थर्ड है, आई आपका क्या है फर्स्ट है, दे आपका क्या है बेटा, दे आपका ऑलरेडी थर्ड होता है, ठीक है ना, तो आपको समझना होगा पहले 1 आएगा कि पहले 3 आएगा, तो 1 फर्स्ट पर्सन को पहले लगाना, तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, तो प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे मेरे भाई, आवर का प्रयोग करोगे, समझ गए ना, आपको समझना है कि जो पर्सन है उसके पहले वाले में प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग। और देखो जैसे 2
और तीन में आया है। यू के अकॉर्डिंग यू आपका आ गया और आपका यदि आ गया, तो आपको समझना होगा पहले दो आता है बाद में तीन, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा जो कि आप क्या लगाते हो, योर लगाते हो। और अगर बेटा अब कभी कंडीशन ऐसी आ गई कि ही एंड दे कर दिया, ही एंड दे कर दिया या ही एंड सी कर दिया, लगाना प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग होता है, तो दोनों देखते हैं तीन तीन, मतलब तीनों थर्ड पर्सन है, तो ये नहीं कि ही के अकॉर्डिंग आप हिज लगा दोगे, ही के अकॉर्डिंग आप हिज लगा दिए तो आपका गलत हो गया। प्लूरल वाले के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो क्या लगाएंगे बेटा, दियर लगाएंगे। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे। देखिए इस प्रश्न में अगर देखते हैं बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपको सही क्या करना होगा, बिल्कुल आप समझ गए होंगे बेटा। एक बार थंब इंप्रेस कर देंगे, आगे चलते हैं आपको लेकर, सारे कॉन्सेप्ट आप नोट कर लीजिए। और बिल्कुल बेटा अगर ज्यादा जल्दी लग रहा होगा तो पीछे जाके सारे कॉन्सेप्ट आप पता कर लेंगे, ठीक है ना, सब में मैंने पढ़ाया है। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं, तो ये प्रश्न क्या बोला, एवरीबॉडी ही वाज प्रेजेंट, बोला एवरीबॉडी हु वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग मस्ट बी सॉरी फॉर व्हाट दे डिड ड्यूरिंग द मीटिंग। इस प्रश्न की अगर बात करेंगे बेटा, बोला कि एवरीबॉडी हु वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, प्रत्येक लोग एवरीबॉडी सब की बात बोल रहे हैं, हु वाज प्रेजेंट एट द मीटिंग, जो क्या थे, प्रेजेंट थे एट द मीटिंग, मस्ट बी सॉरी फॉर व्हाट दे डिड, इसके लिए क्या बोल रहे हैं, जो उन्होंने किया उनके लिए क्या बोला कि फर्स्ट बी सॉरी फॉर दैट। इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दे बताइए, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब बताइए, क्या हो सकता है इस प्रश्न में, जल्द से जल्द बेटा इस प्रश्न का जवाब आप लोग बताएंगे, इस प्रश्न में क्या कर सकते हैं, जल्द से जल्द। एवरीबडी हु वाज प्रेजेंट, अब आप ये बताइए बेटा, एवरीबडी मतलब कोई भी शब्द अगर किससे स्टार्ट हो जाए बेटा, बडी से स्टार्ट हो जाए, वन से स्टार्ट हो जाए, थिंग से स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, आपको दिमाग में डाल लेना है कि ये हमारे क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं। लिखो बेटा सारे कॉन्सेप्ट लिखो, इंडिफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। इंडिफिनिट प्रोनाउन की पहली क्या होती है बेटा, पहले रूल्स बेटा जब पढ़ेंगे तो क्या समझना होता है कि ऑलवेज सिंगुलर, क्या मेरे भाई, ऑलवेज सिंगुलर, हमेशा क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। और अगर सिंगुलर हमेशा है तो क्या करेंगे, कौन सी वर्ब लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे, मतलब सिंगुलर जैसा ही ट्रीट करेंगे बडी वन और थिंग से। बडी वन वन आपके पर्सन को दिखाता है मेरे भाई, और थिंग तो आपको ऑलरेडी पता है किसी वस्तु को ही दिखाएगी, वो थिंग्स मतलब वस्तुओं को। क्लियर हो गया, अब बताइए मेरे भाई, बॉडी से बना है, किससे बना, बॉडी से बना, तो ये हमारा क्या हो गया, इनडिफिनिट प्रोनाउन हो गया। तो आगे देखते हैं बेटा, वाज लगा है, सिंगुलर ही लगा है सर, यहां तो सही है। आगे देखते हैं, द मीटिंग मस्ट बी सॉरी फॉर व्हाट दे डिड, मतलब ये दे कहां से आ गया बेटा, दे तो हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, जबकि बातें किसकी कर रहे हैं हम, एवरीबॉडी, मतलब इंडेफिनेट प्रोनाउन तो हमेशा सिंगुलर होना चाहिए था बेटा, यहां दे के जगह यहां क्या करेंगे, ही करेंगे। ध्यान रखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में ही लेगा बेटा, और इसकी जो आपकी प्रोनाउन होगी इसके साथ आपको हमेशा हिज का प्रयोग करना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लो। सारे जितने प्रकार से पोस्टमार्टम हुए बेटा सब नोट कर लो, सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इतना खतरनाक प्रश्न घुमा देता है बेटा, तो आपको करना क्या होगा, बी करना होगा। सर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी नहीं घूम सकते बेटा, एक बार बताओ, ठोको लाइक अच्छे तरीके से, सारी चीजें क्लियर है कि नहीं बेटा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, इंडिफिनिट के बारे में जितनी चीजें मैंने बताई सबको आप नोट कर लेना है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं बेटा, देयर इज नन हु कैन हेल्प यू इन द क्रूकियल, बेटा क्रूकियल कहने का मतलब होता है कि एक महत्वपूर्ण स्टेज की बात, महत्वपूर्ण स्टेज ऑफ योर कैरियर बेटा। आमतौर बोला ना कि देयर इज नन, कोई नहीं होता बेटा, आमतौर में कोई नहीं होता, हु कैन हेल्प यू, ये अगर सच्चाई की बात करेंगे आमतौर के यूज में बेटा, हु और विच से, क्या बेटा, हु और विच से बेटर होता है दैट का प्रयोग करना। जहां सेंस में अगर ऐसा दिख गया कि आमतौर पे आपके पास कोई नहीं खड़ा होगा, जब आप किसी महत्वपूर्ण कठिनाई में होंगे या महत्वपूर्ण स्टेज में होंगे, कहीं भी आमतौर पे आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, उस सेंस में बेटा आमतौर कोई इंसान की बात कर देते हैं, लेकिन वहां एक तरीके से इमेजिनेशन की बात होती है भाई। इमेजिन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको समझ जाना है कि वहां हमको क्या कर देना होता है, सर दैट का प्रयोग कर देना था, जबकि हु के जगह हमको क्या करना होगा, ए नंबर में दैट का प्रयोग करना होगा मेरे भाई, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं, देखो इतना बड़ा प्रश्न लगा है, लंबा चौड़ा, आप बता दो कैसा सलूशन मिलेगा, सर चिरपुटिया के जैसा, जितना लंबा चौड़ा उतना चिरपुटिया। बोला क्या, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट इन द रियल पिक्चर्स ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियंस इज वर्थिंग। अब बोला एक चीज आप समझ लो बेटा, यहां ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं बेटा एनी की, किसकी, और बात करता हूं एनी वन की,
तो आप समझिए ये जब भी प्रयोग कर दिए गए, जैसे नन की बात कर दिया, सब नोट कर लो, अगर ये सब प्रयोग कर दिए गए बेटा तो आपको समझना है कि ये बातें करने वाले हैं मोर देन टू की। किसकी बात करने वाले हैं? मोर देन टू की बात करने वाले हैं, दो से अधिक की बात करने वाले हैं। देखिए एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, मतलब दो से अधिक के लिए आपको एनी और एनी वन का प्रयोग और नॉन का प्रयोग करना होता है, जबकि मोर देन टू के साथ, दो से ज्यादा के साथ, यहां एनी ऑफ द टू पिक्चर, दो के लिए आपका एनी का प्रयोग कर दिया, सीधा सीधा आपको सर ये पार्ट में एरर दिख रहा है। सर दो के लिए किसका प्रयोग करेंगे बेटा? छाप दो यहां पर, आइदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका बेटा? आइदर ऑफ का प्रयोग करना है दो के लिए और दो से अधिक के लिए, इन सब का प्रयोग करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट नोट कर लो बेटा। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए बेटा। क्या बोला? Whom overcomes to the class? देखो ये कॉन्सेप्ट बताएं। देखो सेंटेंस अगर मैं लिखता हूं ना, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट होता है। दैट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है ना? आपको पता है भाई हु हमारा सब्जेक्ट होता है और हु का जो ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो हमारा whom होता है। तो ये जब सब्जेक्ट हो गया, ये मेरा जब ऑब्जेक्ट हो गया, तो इस सेंटेंस में सबसे पहले वो whom कहां से आ गया? सर गलती तो पकड़ी गई, गलती तो समझ में आ गया। सर whom as a ऑब्जेक्ट होता है, ये मेरा सब्जेक्ट में कभी आ नहीं सकता, इतना लंबा ए लिखा गया बेटा, मतलब ये पार्ट में एरर है। whom नहीं होना चाहिए था, यहां पे क्या होना चाहिए था? who over होना चाहिए था, who as a सब्जेक्ट होता है। कोई भी सेंटेंस बेटा स्टार्ट होगा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना था, ठीक है ना? अच्छे तरीके से आप समझ चुके होंगे। देखो इतना बड़ा प्रश्न, एकदम कांसेप्ट एकदम चिरपुटिया के जैसा, क्लियर? सबसे पहले सब्जेक्ट, बाद में ऑब्जेक्ट। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में, और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब दीजिए। क्या बोला? माय टीचर डज नॉट लाइक मी गोइंग टू सिनेमा एवरी डे। मेरे जो टीचर हैं वो पसंद नहीं करते। अब किस लिए? कि बोला कि मी गोइंग टू सिनेमा, मेरे सिनेमा जाने के, मी नहीं। अब ध्यान से बात समझेंगे, माय टीचर ये एज ए सब्जेक्ट हो गया बेटा, डज नॉट लाइक मी, मुझे पसंद नहीं करते। किस लिए? गोइंग टू सिनेमा एवरी डे, भाई मेरे सिनेमा जाने को, प्रतिदिन जो मैं सिनेमा जाता हूं, भाई इसमें पजेसिव करना होगा। भाई पजेसिव दिख रहा है, पजेसिव दिख रहा है बेटा, अगर पजेसिव दिख रहा है तो पजेसिव केस आपको लगाना होगा, जबकि मी आपका ओसी होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा। तो इसको आप किस में करोगे? पजेसिव एडजेक्टिव में बदलोगे, जो कि माई होगा बेटा, ए पार्ट में आपको करना है, ठीक है ना? आपको पजेशन दिखाना होगा कि मेरे सिनेमा जाने के लिए, तो मेरे के लिए क्या करोगे बेटा? पजेसिव एडजेक्टिव, इसके बाद आपका नाउन ऑलरेडी सिनेमा एड किया गया है, ठीक है ना? तो ए पार्ट में आपको करना होगा बेटा, जबकि यहां आपको नहीं करना था, मी के जगह पे आपको क्या करना है? माई का प्रयोग करना होगा बेटा, ठीक है? नोट कर लीजिए। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आप सबके बीच में अपनी हिंदी की किताब दोस्तों आ चुकी है, जो कि मात्र 299 रुपए में। जल्द से जल्द जो भी इंटरेस्टेड होंगे इसको परचेज कर सकते हैं दोस्तों। जरा ध्यान से देखिएगा, नितिन सर द्वारा लिखे गए सारे कंटेंट से पूरे 36 चैप्टर है दोस्तों। बेहतरीन तरीके से मैं एक बार फिर से इस बात को कह रहा हूं कि अपनी हिंदी आप मजबूत करना चाहते हैं, अपनी हिंदी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपनी हिंदी की किताब आप जरूर पढ़ेंगे मेरे भाई। साथ ही साथ श्री 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पर बहुत सारी जितनी भी बुक्स है सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों। भारत के किसी भी कोने पे आप मंगवा सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इसको आप परचेज कर लीजिए दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करेंगे 7007734525 पे, ठीक है ना? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों। क्या बोला? कि द ओनली ऑप्शन इज फॉर द बैंक टू मॉडर्नाइज इट्स ऑपरेशंस एंड ऑल देयर ब्रांचेस, ठीक है ना? द ओनली ऑप्शन इज, देखिए बेटा, the only option is for the bank, बोला कि केवल एक ही ऑप्शन इस बैंक के लिए, बोला modernize its operation, इसके जो operations है, बोला at all their branches। बेटा ये बताओ बात किसके लिए कही जा रही है? बात कही जा रही है इस बैंक के लिए। ये बैंक एज अ सिंगलर है, क्या है? बैंक एज ए सिंगलर है। अब इनके ब्रांचेस भाई एज ए सब्जेक्ट, ब्रांच जो बोला कि बैंक हमारा सब्जेक्ट है और इसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगलर है, तो यहां पे डियर कैसे आ सकता है? ये तो हमारा प्लूरल हो गया बेटा। जब बैंक हमारा क्या है, बैंक हमारा सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग डियर के जगह क्या होना चाहिए था? हिज होना चाहिए था बच्चा। एकदम नॉर्मल सा मिस्टेक है, लेकिन आपको ढूंढने का तरीका पता होना चाहिए। सी नंबर, मैंने बोला जब भी स्पॉट एरर सॉल्व करोगे, जहां से आप स्टार्ट करोगे बेटा वहीं इंडिकेट करते रहेगा कि ये चीज आया तो ये हो सकता है, इसके बाद ये होगा, ठीक है ना? तो नोट करिएगा बेटा अच्छे तरीके से। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है। क्या बोला? कि एवरी ऑफ द फ्लोर, देखो एक चीज मैं बताता हूं ध्यान से, इधर देखो, ये जो एवरी शब्द होता है बेटा ना, ये हमारा होता है एडजेक्टिव। क्या होता है बेटा? एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है,
जब ये एडजेक्टिव होता है बेटा तो इसके बाद हमेशा क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। एवरी शब्द हमारा एडजेक्टिव होता है और वो हमेशा अपने बाद नाउन लेता है। बेटा ध्यान से, एक शब्द जब मैं लिखा तो बता ही देता हूं, जब कभी भी डी के बाद आपको जे दिख गया और जी दिख गया तो हमेशा बेटा ध्यान से समझना, ये डी वर्ड आपका क्या होगा, साइलेंट होता है। तो नॉट प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कभी नहीं बोलोगे, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव। क्या बेटा? एडजेक्टिव। डी के बाद जे और जी दिखता है तो साइलेंट होता है डी, एडजेक्टिव। तो बेटा एवरी हमारा एडजेक्टिव होता है तो इसके बाद नाउन का आना कंपलसरी है भाई, नाउन के आने का पहले का अधिकार इसी का है, ठीक है ना। अब देखते हो कि एवरी ऑफ द फोर चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इन डेक्स्ट्रस इन पेंटिंग्स नो एरर। देखो बेटा एवरी हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये अपने बाद क्या लेगा बेटा, आपका नाउन लेगा। क्या लेगा मेरे भाई? आपका नाउन लेगा। इस एवरी को आपको चेंज करना होगा एवरी वन में। क्या बेटा? एवरीवन। अब जाके बेटा ये आपका क्या बन गया, आपका प्रोनाउन बन गया। क्लियर है ना? जबकि एवरी एज एडजेक्टिव होता है बेटा, एवरीवन का प्रयोग करना चाहिए था ए नंबर, और एडजेक्टिव अपने बाद क्या करते हैं बेटा, अपने बाद नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आप सबके बीच दोस्तों जल्द से जल्द हाजिर है और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब देंगे आप, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सबके बीच में हाजिर है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट दोस्तों यहां से मिलने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए। जब कभी भी बेटा हम दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं तो देन आता है, और देन के बाद हमको पता है कि सर हम सब्जेक्टिव केस लेते हैं, इतनी चीजें पता। दूसरी आपको समझना है कि जब हम कंपैरिजन करते हैं बेटा तो आपको पता है, ध्यान से देखिए, जब हम कंपैरिजन करेंगे तो दो चीजों में करेंगे। ये मान लीजिए पर्सन वन हो गया और ये हमारा दूसरा नंबर हो गया, और ये दोनों अगर बेटा प्लूरल में यूज किए गए हैं, किसमें, अगर प्लूरल वेज में यूज किए गए हैं तो आपको तुरंत समझ जाना है बेटा कि यहां पे जब भी हम कंपैरिजन करेंगे बेटा तो दोज ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर दो प्लूरल के बीच में कंपैरिजन करते हैं बेटा तो दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं, किसके बाद बेटा, देन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग करना कंपल्सरी हो जाता है अगर दो हम प्लूरल चीजों में कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैं आपसे बेटर हूं तो आई एम बेटर देन यू, ये करना होगा, बेटर देन दोज ऑफ नहीं करना होगा। लेकिन यहां देखते हैं द होटल्स ऑफ पटना, जो पटना की होटल्स हैं बेटा, पटना के होटल्स की बात की गई तो ये हमारा प्लूरल है। क्या बेटा? प्लूरल है। आगे बोला आर मोर कॉस्टली, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अब किससे कंपैरिजन किया, देन सीतामढ़ी, मतलब सीतामढ़ी की जो होटल्स है और पटना की होटल्स है दोनों में कंपैरिजन किया, मतलब प्लूरल है तब कंपैरिजन कर रहा है बेटा। तो देन के बाद आपको क्या करना था, दोज ऑफ का प्रयोग करना है बेटा। जबकि देन के बाद दोज ऑफ का प्रयोग नहीं किया गया है तो सर सीधा सीधा आप कह लीजिए कि आपके इस बी पार्ट में देन के बाद दोज ऑफ होना चाहिए था, इसमें एरर है। बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, सारे कम आपके बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट है बेटा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला बेहतरीन प्रश्न, मैंने बोला दोस्तों ध्यान से थोड़ा कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़िए, जो हमसे जो डायरेक्ट पूछा जाए बेटा, आपसे डेफिनेशन पूछने वहां नहीं जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो प्रश्न सही करके आओगे मेरे भाई। इस प्रश्न को देखते हैं, बोला दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड आई। बेटा एक बार सेशन को शेयर कर लीजिए आप लोग, अच्छे तरीके से, कंजूसी ना करिए, बेहतरीन तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट दे रहा है, क्वेश्चन बेस्ड। इनकी बात करते बेटा, बोला दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड आई फॉर द मीटिंग टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। देखिए अगर बेटा एक सब्जेक्ट आ जाता है सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट समझो इसको, बेहतरीन है, सब्जेक्ट आ गया तो उसके बाद एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। सीधा सीधा आप जानते हो मेन जो होता है काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, मेन सब्जेक्ट जिसके लिए करता है बेटा, जो चीजें अदर चीजें होती है वो ऑब्जेक्ट होती है। तो बोला कि दे इन्वाइटेड, दे हैव इन्वाइटेड सुषमा एंड आई, उसने क्या किया, मुझे और सुषमा को इन्वाइट किया बेटा। तो दो दे अगर सब्जेक्ट है तो हम लोग तो ऑब्जेक्ट हो गए, सुषमा क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई, और आई भी तो क्या एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही हुआ वहां पे। तो समझिए सुषमा किसी के नाम का ऑब्जेक्ट तो सेम ही होता है, लेकिन आई एज अ सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है, जो कि इसको क्या करना था, ऑब्जेक्टिव केस में आना था। तो आई के अकॉर्डिंग क्या करोगे, आई के जगह पे मी करोगे बेटा, सर ए पार्ट में एरर है भाई, एक सब्जेक्ट दे आया है, मेन तो दे है, दे उसने क्या किया, मुझे और सुषमा के इनवाइट किया, तो बेटा आई की जगह मी करना होगा, और नेम सुषमा ऑलरेडी है, वो खुद ही आपकी ऑब्जेक्टिव केस है, क्लियर है। चलिए आपको अगले प्रश्न में ले चलते हैं बेटा, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। यहां से पहले कॉन्सेप्ट दिखा देते हैं, वन आपको दिखा है,
वन समझिए बेटा, वन अगर सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है, किसके प्रयोग बेटा सिंगुलर के रूप में किया गया है, तो इसके साथ प्रोनाउन ही जाता है बेटा। और वन अगर प्लूरल के जैसे यूज किया गया है, किस प्रकार प्लूरल के जैसा, तो इनके लिए क्या आता है प्रोनाउन बेटा, वंस आता है। ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने बोला उनमें से एक ने ऑफिस छोड़ दी, वन ऑफ देम, क्या बेटा वन ऑफ देम। अब उनमें से एक, तो बता बेटा यहां वन एज अ सिंगुलर है, अगर वन एज अ सिंगुलर है तो आगे लगाना क्या होगा बेटा, हिज लगेगा 100%। लेकिन मैंने बोला कि लोगों को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, लोगों को अपना काम करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, वन शुड डू, उसके बाद बोलोगे बेटा अपने के लिए यहां वंस ड्यूटी करना होगा। क्यों करना होगा, कि वन मतलब लोगों को, एक से अधिक की बात वन यूज किया गया, वन एज अ प्लूरल है तो बेटा अपने साथ वंस लेगा। ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट नोट करेंगे कि वन कब अपने साथ प्रोनाउन हिज लेता है, वन कब अपने साथ प्रोनाउन वंस लेता है। इस प्रश्न को पढ़ते हैं, बोला वन शुड बी ट्रू हिज वर्ड्स इन ऑल सरकमस्टेंस, बेटा हर सरकमस्टेंस में क्या होना चाहिए था, अपने जुबान के पक्के होने चाहिए, सबके लिए बात बोला गया, वन एज अ प्लूरल है। क्या है बेटा यहां प्लूरल है, तो आगे बेटा यहां पे हिज लगा है, जबकि सिंगुलर होता वन तब लगना चाहिए था, तो इसके जगह पे क्या करेंगे, वंस का प्रयोग करेंगे। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, कॉपी में नोट करिए, बीवीआईपी है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए आपको अगले प्रश्न पे ले चलते हैं, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है बेटा। क्या बोल रहा है कि इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क ही मे गो होम, यदि समवन, देखो इस प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्न में बोलता हूं शानदार है बेटा, और इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे, शानदार प्रश्न है बेटा, इस प्रश्न का जवाब देंगे। और इसके बाद भी मैं बोल देता हूं, जो अक्सर बोलता हूं 99% लोग गलत जवाब देंगे, सर अंडर एस्टिमेट ना करिए, सही देके बताते हैं बेटा, गलत करो सत्यम सर को, आज इस प्रश्न का सही जवाब दो। इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, उसके बाद चेक करना ही में गो होम। ध्यान से एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके इफ वाले क्लास में बेटा, कभी भी इफ वाले क्लास में आपका विल सेल का प्रयोग नहीं हो सकता, इन चीज को नोट करिएगा। बाकी सारी चीजें मैंने अच्छे तरीके से कंडीशनल सेंटेंस में बताई भी है बेटा, इस सेंटेंस में देखिएगा कोई एरर नहीं, नो एरर। लेकिन सर कैसे हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, साला इसको तो हटा देना चाहिए एग्जाम में से, नो एरर तो हटा देना चाहिए। गलती नहीं है फिर भी ढूंढेंगे, एरर है नहीं दिख रहा तो अपने से बना देंगे, लेकिन एरर देंगे बेटा। बोला कि इफ समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, यदि कोई भी अपना काम फिनिश कर लेता है, ही मे गो होम, वो अपने घर जा सकता है, देयर इज नो एरर, यहां कोई गलतियां नहीं है। लेकिन सर नो एरर तो हो ही नहीं सकता, गलती तो मैं ढूंढूंगा भले कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते बेटा, इसमें नो एरर होगा, ठीक है ना, शानदार प्रश्न, ठीक है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आप सबके बीच में है। क्या बोला, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स ऑल पॉसिबल पिक्स एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ, इनकी अगर बात करेंगे बेटा, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल पिक्स एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ, इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप देखेंगे और इस प्रश्न का जल्द से जल्द जवाब देंगे मेरे भाई, बहुत ही शानदार प्रश्न है, जल्द से जल्द जवाब दीजिए। जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब दीजिए बेटा। The board of directors want all possible perks and allowance for itself. बेटा ये बताओ, itself जो होता है ये as a singular है, क्या singular यहाँ हो सकता है, बताइए आप, खुद ही आप बता दीजिए। ये singular का आपका reflexive case है, जबकि पूरे sentences आपको क्या लग रहे, plural में लग रहे, तो भाई itself कभी हो ही नहीं सकता सर। सीधी सीधी concept में समझ में आ रही कि भाई आपको पता है, अगर subject singular है तो आगे singular ही सब कुछ आ सकता है, plural है तो आगे क्या हो सकता है, plural ही आ सकता है, तो भाई इट सेल्फ तो हो नहीं सकता था, themselves करना था, मतलब इट को प्लूरल, इट एज ए सिंगुलर होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, जो इट होता है बेटा ये हमारा होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, क्या होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है बेटा मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। और इट के बाद अगर हम जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं भाई, इट के बाद हमेशा क्या आता है, एस सी आता है, इट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है मेरे भाई, सब्जेक्टिव केस आता है, देन के बाद कौन सा केस आता है सर, एस सी आता है सर। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, अगर बट की बात करेंगे बेटा, लेट की बात करेंगे बेटा,
एक्सेप्ट की बात करेंगे बेटा, बिटवीन की बात करेंगे मेरे भाई, और किसी भी प्रेपोजिशन की, क्या मैंने बोला, किसी भी प्रेपोजिशन की अगर बात करते हैं, इन सब के बाद नोट कर दो, एकदम हाईलाइट कर देता हूं, इन सब के बाद ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सारे टॉपिक है दोस्तों, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में आने वाला। इससे पहले मैं बताऊं, हिंदी इंडिविजुअल कंप्लीट बैच आप सबके बीच में आ चुकी है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। जो भी इस बैच से जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से अपनी हिंदी को बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो जल्द से जल्द इस बैच को परचेज कर लीजिए। अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों, जल्द से जल्द नोट करेंगे। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हैव गिवन हिज कंटेंट टू ज्वाइन द एनुअल फेस्टिवल। बेटा बहुत ही आसान प्रश्न है, कुछ है नहीं इसमें, आपको कॉन्सेप्ट समझना है। क्या समझना है सर? देखिए, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब S1 हो गया, आगे एंड लगा के बोला द वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी S2, मतलब एक से अधिक सब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया बेटा? एक से अधिक सब्जेक्ट अगर एंड लगा दिए बेटा, S1 प्लस S2 है, तो आगे जो वर्ब आएगी बेटा वो प्लूरल वर्ब आएगी। तो चेक करते हैं बेटा, इसके बाद बोला हैव लगा है सर, यहां तक तो सही है। आगे आते हैं, हिज कंसेंट, बेटा हिज तो सिंगुलर होता है, हिज हो तो हिज तो सिंगुलर हो गया, आपको प्लूरल भाई पजेसिव के लिए प्लूरल करना होगा, तो हिज के जगह आपको क्या करना होगा, डियर का प्रयोग करना होगा बेटा। यानी सीधी सीधी गलतियां सर सी पार्ट में है। देखो प्रश्न इतना बड़ा, एकदम क्या बताओ, चिरपुटिया जैसा सलूशन दोस्तों। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चलते हैं, नोट करते हैं, अगला बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में हाजिर है दोस्तों, और जल्द से जल्द इस प्रश्न का जवाब देंगे। चलिए यहां से बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाले हैं। क्या प्रश्न बोल रहा है? द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स अब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम दिस ऑफिस। इन बात की, इस प्रश्न की बात करेंगे, तो यहां से कॉन्सेप्ट नोट करें मेरे भाई। अगर कभी भी आपको बेटा नोट करेंगे, अगर कभी भी आपको एज वेल एज दिख गया, ठीक है ना, आपको विथ दिख गया मेरे भाई, आपको टुगेदर विथ दिख गया, आपको बेटा लाइक दिख गया, आपको मेरे भाई बिसाइड दिख गया, ठीक है ना, ये सब आपको अगर दिख जाते हैं, और इनके पहले बेटा कोई सब्जेक्ट S1 लगा है और इनके बाद कोई सब्जेक्ट S2 लगा है, तो मेरे भाई ध्यान देंगे, हमेशा जो वर्ब लगाते हैं बेटा वो अकॉर्डिंग टू S1 लगाएंगे। किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू S1 बेटा, अकॉर्डिंग टू S1, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सब कुछ कराया हूं, यहां भी नोट कर लीजिए, जो भी चीजें करेंगे बेटा अगर वर्ब हमें इसके बाद लगाना है तो अकॉर्डिंग टू S1 लगाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं, बोला द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स अब्सेंटेड देमसेल्व, मतलब अब्सेंटेड यहां तो V2 लग गया, जबकि V2 हमारा सिंगुलर के भी साथ लगता है सर, प्लूरल के साथ भी, ही वेंट आई वेंट दोनों के साथ लग गया। चलिए यहां तक की बात है, यहां तो गलत नहीं है। आगे देमसेल्व लिखा बेटा, देमसेल्व हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, और आपको सारी काम जितने भी काम करने होंगे ये तो हमारा बेटा क्या है, प्लूरल है, और आपको पता है जो भी काम करना होगा एज वेल एज, यानी इसके पहले द ऑफिसर S1 हो गया और द असिस्टेंट्स ये हमारा प्लूरल हो गया, मतलब ये S2 है, तो इससे तो कोई हमको मतलब नहीं है, करना सारा काम द ऑफिसर के अकॉर्डिंग है, और द ऑफिसर यहां पर क्या है, सिंगुलर है बेटा। तो बताइए सिंगुलर के साथ कभी भी देमसेल्व आ सकता है? कभी नहीं आ सकता था। तो द ऑफिसर के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, हिज लगाना होगा, सिंगुलर लगाना होगा बेटा। मेरे भाई बी पार्ट में है, बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लो, क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से सीखना है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगर आप बेहतरीन प्रश्न आप सबके बीच में है दोस्तों, जल्द से जल्द जवाब देंगे मेरे भाई, बिल्कुल गलत नहीं करना है। बोला ही वॉज मच मोर सरप्राइज देन मी, अरे यार सीधा सीधा दिख गया, जब भी हम कंपेरिजन की बात करते हैं तो देन के बाद हमेशा क्या आता है सर, SC आता है, सब्जेक्टिव केस, देन के बाद मी कभी, अब सर गलत नहीं होने वाला, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरे भाई, इंप्रेस करो, क्लियर है कि नहीं, अब गलती नहीं हो सकती। मी क्या करने आया भाई, देन के बाद तो SC लगता है, यानी इसका मी को आई कर दो, SC बना दो, ए पार्ट में रहा था, बताओ बताओ बेटा सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एकदम हलवा बना दोगे यार अगर एग्जाम में प्रश्न आया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आप सबके बीच में है, गलत मत करना मेरे भाई, ठीक है ना। बोला क्या, द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ पटना आर मोर एक्सपेंसिव देन
दैट ऑफ दरभंगा। देखो बेटा बोला कि द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पटना, पटना की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है बेटा ये भी देखो प्लूरल है। क्या बेटा? प्लूरल की बात कर दिया। आगे बोला मोर एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है देन दैट ऑफ दरभंगा। दरभंगा की जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं और पटना के इंस्टीट्यूशन में क्या किया? कंपेरिजन किया। और दो प्लूरल के बीच में कंपेरिजन अगर करते हैं बेटा तो देन के बाद हम क्या लगाते हैं? दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। दोज ऑफ, जबकि यहां किसका प्रयोग किया है? दैट ऑफ का प्रयोग किया है। सर सी पार्ट मेरा रहा, अब गलतियां नहीं हो सकती, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बेटा। ठीक, चलिए आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये सब अच्छे तरीके से पीछे मैंने कराया है, सारे नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बोला? जैकलिन लेंट मी सम रुपीस ऑन दिस कंडीशन, ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर सेप्टेंबर। बोला जैकलिन लेंट मी सम रुपीस, ठीक है ना, जैकलिन ने लेंट मी सम रुपीस। आगे बोला ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम, वही मैं क्या करूंगा, मुझे रिटर्न कर देना चाहिए बिफोर सेप्टेंबर, सेप्टेंबर से पहले। अगर इनकी बात करेंगे बेटा तो आपको समझना होगा रुपीस यहां पे क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है। यहां 10 एम की बात करेंगे वही एज वेल एज, ये एज ए सिंगलर होता है। क्या होता है बेटा? एज ए सिंगलर होगा भाई। 10 एम किसके अकॉर्डिंग आया? रुपीस के अकॉर्डिंग भाई। जब प्लूरल जब बात करेंगे तो हमको देम लगाना चाहिए था, उन्हें वापस कर देंगे, सेम ही क्या करेंगे, उन्हें ही वापस कर देंगे। तो किसको वापस करेंगे? जो रुपीस आपने उससे लेंट किया, उधार लिया है, तो उसको जब वापस करेंगे तो रुपीस है, जब प्लूरल है तो आपका 10 एम के जगह क्या होना चाहिए था? देम होना चाहिए था बिफोर सेप्टेंबर, सेप्टेंबर से पहले उन्हें हम क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। सर सीधा सीधा बी पार्ट में रह रहे, ठीक है ना। तो चलिए आपके इस सेशन का लास्ट प्रश्न, और कोई गलत जवाब देकर नहीं जाएगा, जल्द से जल्द सही जवाब देंगे मेरे भाई। बोला क्या? द होटल्स ऑफ कोलकाता आर चीपर देन पटना। सर वही बात है, दी होटल्स क्या हो गया? ये होटल्स कहने का मतलब हमारा हो गया ये प्लूरल हो गया, और एक कोलकाता की जो होटल्स है वो चीपर है देन पटना। पटना की होटल्स और कोलकाता की होटल्स में क्या किया आपकी कंपैरिजन किया है? जैसे T1 मतलब पहली थिंग हो गई बेटा, और ये हो गई T2। दो थिंग्स के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, क्या करते हैं मेरे भाई? कंपैरिजन करते हैं। और अगर ये दोनों प्लूरल हैं, ये दोनों प्लूरल हैं बेटा, तो कंपैरिजन करने के लिए देन का प्रयोग करते हैं, और देन के बाद तुरंत आपको क्या करना होगा? दोज ऑफ का प्रयोग करना होगा बेटा, जबकि देन के बाद दोज ऑफ नहीं है। सर बी पार्ट में ही एरर है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन बेस्ड कॉन्सेप्ट आपके अच्छे तरीके से हो गए दोस्तों। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं अगले सेशन में, और अगला जो सेशन होने वाला है दोस्तों वो आपकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की होनी है, और उसके सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। एग्जाम में जाते ही कैसे आप प्रश्न सही कर पाओगे बेटा, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होंगे, बस एक काम किया करो मेरे भाई, कॉपी कलम लेकर बैठा करो, आपको कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये वादा है आपके इस भाई का, ठीक है ना। मैंने बोला कि जिंदगी के हर संघर्ष में किसी पर भरोसा है मेरे भाई तो हार जाओगे, और ध्यान रखना हर एक विषम परिस्थिति में, हर एक संघर्ष में आप अपने इस भाई को हमेशा अपने खड़ा अपने साथ पाओगे। इसलिए मैं वादा करता हूं बेटा आपके टारगेट को मैं पूरा कराऊंगा, लेकिन सारे अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट जो मैं दे रहा हूं सब नोट करिए। हमें जस्ट क्वालिफाइंग CHSL के लिए नहीं पढ़ना है पूरा, हमें Tier 2 इस साथ मेले चलनी है, मतलब 40 क्वेश्चन और 25 के बराबर हमको तैयारी करनी होगी मेरे भाई। तो चलिए आप सबसे मिलते हैं अगले सेशन में अगले बेहतरीन तरीके से नए जोश के साथ दोस्तों। तो तब तक के लिए आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। सभी से उम्मीद है दोस्तों, जय हिंद।